हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो बच्चों, आज हम लोग 12th का फिजिक्स पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो फिजिक्स में बच्चों थोड़ा कंसेप्ट बिगड़ जाता है अगर ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा स्कोरिंग भी है, आप अच्छा से इसको समझो। मैं बहुत इजी करके आपको समझाऊंगा, बस आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। तो कंसंट्रेट होकर स्टडी करो, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, चलो बिना वक्त गवाए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट, लेट अस स्टार्ट टू द टूडेज टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैट। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप हम लोग को जो इलेक्ट्रोस्टैट में दो चैप्टर पढ़ना है। ओके, मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है, हमारे जो सिलेबस में है वो एक चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट पे, उसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, एक टॉपिक ये है जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अभी कवर करेंगे। ओके, चलिए, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, तो पहले तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग देख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज जब रेस्ट में हो तो। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, चलो, यानी इसको बोल सकते हैं चार्ज जब रेस्ट में होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, जो चल नहीं रहा हो, मूव नहीं कर रहा हो। ठीक है, चलिए, मैं इस पर बाद में डिटेल से बात करूंगा। तो अब हम लोग आए थे चार्ज के बारे में। तो देखो, चार्ज बहुत ईजी चीज़ है, बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ये चैप्टर। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब माइक्रो पार्टिकल सब है। तो बच्चों को जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स का और 11th का बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कैनमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग उसको विजुलाइज कर पाते हैं, डेली लाइफ से उसको जोड़ पाते हैं, क्योंकि वही चीज़ सब हम लोग पढ़ते हैं जो डेली लाइफ में हमको दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन 12th के इस फिजिक्स में, ओके, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हम लोग डेली लाइफ में नहीं देख पाते हैं, इसको हम इजिली विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ पर प्रोटॉन होता है, कि रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिल जाता, रास्ते में प्रोटॉन मिल जाता, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, चूंकि ये माइक्रो पार्टिकल्स है तो इसका थोड़ा स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे यहाँ पे, तो मैं टोटल आपको विजुलाइज करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख रखा है, तो डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए, ओके, कि आप लोग एग्जाम में हो सकता है डिफाइन करने के लिए बोल दे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैंने दो दो डेफिनेशन लिख दिया है, जो डेफिनेशन आपको अच्छा लगे याद करना वो आप लिख लोगे, लेकिन मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दिया है, अभी मैं दोनों को समझाऊंगा भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो, बचपन में पहले इसको फील समझ, फील ले लो, इसका विजुलाइज कर लो इसको कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, बचपन में आप लोगों ने स्टडी, ये क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट क्या होगा आपके, जैसे कॉम्ब होता है, कंघी बालों में लगाने के लिए, बाल को ठीक करने के लिए, तो जो कॉम्ब होता है, कंघी होता है, हम लोग बचपन में किए थे एक एक्सपेरिमेंट कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेकर के कंघी को जब हम लोगों ने बाल पे रगड़ा, उस कंघी को जब कागज़ के टुकड़ों के पास लाए तो बिना टच के वो अट्रैक्ट हो गया, खींच लिया। ओके, ऐसा हम लोग करते थे। ओके, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसी को चार्ज बोलते हैं, कि जब जब कंघी को हम लोग बाल पे नहीं रख रहे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास हम लोगों ने लाया उसको, तो उसके करीब लाने पर वो कागज़ का टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब कंघी को बालों पर रगड़ा, अच्छा से रगड़ा, ओके, तब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास हम लोगों ने लाया, छोटे छोटे टुकड़े यानी पीस के पास, तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया वो कंघी, लेकिन जब रगड़ना खत्म हो गया, मैंने नहीं रगड़ा उसको, लेकिन जब करीब ले गए तो नहीं अट्रैक्ट किया, लेकिन हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा अट्रैक्ट करता रहे, उसकी धीरे धीरे वो जो चार्ज है ख़त्म होता जाता है, चार्ज जब हम लोग उसको हाथ से टच करते हैं तो चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि वो चार्ज है, चार्ज का फीलिंग हुआ बचपन में हम लोग करते थे ऐसा। ओके, कि चार्ज जो है वो किसी एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं ना, जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक दो बॉडी पर ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, ये गुण डेवलप हो जाता है, ये गुण जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, इसी गुण को चार्ज कहते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, एक लाइन में अगर पूछे कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है। हाँ, जब बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो ये उस पर ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है,
समझा? तो जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उस पे ये चार प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, जिस प्रॉपर्टी के कारण, अब इस प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, एक दूसरे को रिपेल कर सकता है, यानी फोर्स लगा सकता है। ओके, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई बॉडी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है यानी कि खींचता है अपनी ओर, या रिपेल करता है यानी कि एक दूसरे को धकेलता है। ओके, ये है उसका बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर डेफिनेशन में, आप लोग अगर ध्यान से देखना। देखो मैं थोड़ा इसको जूम करके बताता हूँ आपको। ओके, देखो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा और करके, यहाँ देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके, वो प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट प्राप्त करता है, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना। ओके, एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड ईच अदर, जब जब ऑब्जेक्ट को यानी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो बॉडी पर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, प्रॉपर्टी एक गुण पैदा हो जाता है। ओके, उस गुण को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, और उस गुण के कारण फोर्स लगता है। अब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, यानी लाइक चार्ज सेम चार्ज जो है वो रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे। तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन क्या, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, तो देखो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का, वो तब डेवलप होता है जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं, पहला पॉइंट तो ये। और चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है सर? अट्रैक्शन या रिपल्सन। ओके, तो चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया अच्छा से? तो अभी क्या है, हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो वो भी डेफिनेशन भी हम लोग आते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चार्ज को और मैं थोड़ा फील करवाता हूँ आप लोगों को, मैं प्लेन पेज पे जाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब एक चीज़ समझो, इसको चार्ज को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल तो आप लोग समझो बहुत बहुत बढ़िया से। ये एक बैलून ले लो आप, ठीक है, बैलून ले लो, इस बैलून को क्या करो, एकदम गुब्बारा, गुब्बारा जो होता है, एक बैलून यहाँ ले लो, एक गुब्बारा उतना ही बड़ा गुब्बारा फुला लो, उसको फुलाने के बाद क्या करो, हवा इसमें भर दो, फुला दो, उसके बाद क्या करो कि इसको, इस बैलून को आपस में आप इसको एक धागे से, एक थ्रेड से इसको लटका दो। उसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ओके, एक बैलून ये, एक बैलून उतना ही बड़ा है, छोटा बड़ा बन गया, लेकिन ये मान लो कि इक्वल साइज का है। इसको मैं एक धागा से लटका देता हूँ दीवार पर, लटका दिया दोनों दोनों को। अब मैं क्या करूँ, इस बैलून को मैं अपने कपड़े से, जो कपड़ा मैंने शर्ट पहना हुआ है, उस शर्ट से उसको रगड़ लो। ओके, देखो बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप लोग समझ जाओगे। तो इस बैलून को आप क्या करो, अपने कपड़े से, अपने शर्ट के कपड़े से रगड़ो, फिर इस बैलून को भी इसी टाइम में रगड़ो, उसके बाद इन दोनों को करीब लाओ धागे के पास, तो देखोगे ये दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। ये आप लोग फॉलो कर लेना, रिपेल करेगा इसको, 100% रिपेल करेगा, ठीक है। अब वही, अब मेरी बात गौर सुनना, अब उसी कपड़ा से अब क्या करो, आप बैलून को रगड़, बैलून में तो देख लिया कि आप लोगों ने कि ये जो है, जब देखो जब इसको रगड़ा नहीं गया था, दोनों बैलून को रगड़ा नहीं गया था, रब नहीं किया गया था, आपस में इसको नहीं रगड़ा गया था, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा था, एक दूसरे को कुछ ना तो खींच रहा था, ना तो अट्रैक्ट कर रहा था, ना रिपेल कर रहा था। लेकिन जब इसको कपड़े से मैंने रगड़ लिया, इसको भी और इसको भी, और जब दोनों को पास लाए, तो दोनों एक दूसरे को धकेलने लगा, रिपेल करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिपेल, ये रिपल्सन शुरू हुआ। रिपल्सन का मतलब हुआ कि ये चार्ज, बॉडी चार्ज्ड हो गया। ओके, मैंने रगड़ने के बाद बॉडी चार्ज्ड हो गया, कौन बॉडी, ये गुब्बारा, बैलून, ठीक है। तो जब हम लोग बैलून को कपड़े से रगड़े, अपने कपड़े से, ओके, सिल्क का कपड़ा बोलो या कॉटन कपड़ा बोलो, ओके, या ऊन बोल दो, ऊल जो होता है, ऊन से भी रगड़ सकते हो, तो ऊनी कपड़े जो शर्ट हम लोग स्वेटर ठंडे में पहनते, ठंडे मौसम में, तो जाड़े के मौसम में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर में ऊन होता है, तो ऊन से भी रगड़ सकते हो। तो जब नहीं रग रहे थे, तो इसके अंदर, इसमें कोई न तो रिपल्सन हो रहा था, न तो अट्रैक्शन हो रहा था, न तो एक दूसरे को धकेल रहा था, न तो एक दूसरे को खींच रहा था अपनी ओर, क्योंकि ये बॉडी चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे मैंने दोनों को रगड़ लिया कपड़ा से, उसको फ्रीली छोड़ दिया धागा पे, या थोड़ा करीब लाया, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगा। इससे क्या समझ में आया कि ये बॉडी चार्ज हो गया। जैसे ही रिपल्सन होगा, या अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, इस केस में रिपल्सन हो रहा है, जैसे ही रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, समझ जाएंगे बॉडी चार्ज्ड हो गया। अब ये चार्ज्ड हो गया, ये तो समझ गया कि रिपेल कर रहा है, चार्ज्ड हो गया बॉडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सर इस केस में रिपेल कर रहा है, अब इससे इससे का मतलब है, अब एक और चीज़ समझो कि जैसे मान लो कि मैं वही कपड़े को, उसी कपड़े को, उनके कपड़े से, ये ऊनी कपड़ा जो स्वेटर हम लोग पहने हुए हैं, अब उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्लास का रॉड लेंगे, ग्लास का रॉड, ग्लास का रॉड होता है, ग्लास का कोई भी, या शीशा ले लो या ग्लास ले लो आप। ओके,
नहीं तो ऐसा करो ना, आप घर में जो आपका ये ग्लास है शीशा का, ओके, वो ले लो, जो वाटर ग्लास होता है, तो ग्लास का ले लेना। तो ग्लास जो है वो ले करके उसको क्या करना, ऊन के कपड़ा से रगड़ लेना अच्छा से। रगड़ने के बाद जब उस ऊन के कपड़े को इस बैलून के पास लाओगे, तो ये बैलून उस ऊन के कपड़े को नहीं, ग्लास को लेकर आना है। जो ग्लास को तुम ऊन के कपड़े से रगड़ रहे हो, स्वेटर से रगड़ रहे हो, उस ग्लास को इस ऊन के पास लेकर आओ, ये सॉरी इस बैलून के पास लेकर आओ। तो बैलून जो है उस ग्लास की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ग्लास को लाओगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा। पंच हो रहा है ये बैलून, जब दो बैलून हमने लिया, दोनों बैलून को नहीं रग रहा था, तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं था। जब मैंने इसको ऊन के कपड़े से रग रहा, स्वेटर से रग रहा, या कपड़े शॉर्ट शर्ट से ही रगड़ दिया, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल किया, ये इधर रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, तो चार्ज हो गया, कहा दिया ये चार्ज हो गया। ओके, अब क्या किया मैंने कि ग्लास का एक ग्लास को मैंने ऊन के कपड़े से वही स्वेटर से रगड़ लिया। ओके, ग्लास को, अब फिर ग्लास को मैं इस ऊन के इस बैलून के पास लाया, गुब्बारे के पास लाया, तो गुब्बारा जो है वो मैंने मान लो एक ग्लास को मैं लाया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। इस ग्लास को मैं लेकर आया तो समझ रहे हो, तो ये अट्रैक्ट करने लगा। इससे क्या समझ आ रहा है कि ये तो क्लियर हो गया है कि बॉडी रगड़ने के बाद चार्ज्ड हो जाता है। कहो सर इसकी पहचान कैसे हुई चार्ज्ड हो गया? तो चार्ज्ड होने का मतलब है कि या तो अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा। फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी चार्ज्ड हो गया है, बस इतना समझना है, दैट्स इट। ओके, अब फोर्स नहीं लग रहा तो कहेंगे बॉडी चार्ज नहीं है, बॉडी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ओके, न्यूट्रल मतलब होता है कि चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। अब सुनना अच्छा से, अब ये दोनों जब गुब्बारा बैलून जब चार्ज था, चार्ज हुआ, चार्ज कैसे हुआ, फोर्स लगा तब हम समझेंगे चार्ज हो गया, दिखाई नहीं देगा कैसे चार्ज हो गया। ओके, चार्ज का कारण भी हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज क्यों हो रहा है, कॉज पढ़ेंगे। तो ये बैलून एक दूसरे को रिपेल करने लगा, तो हम समझ गए कि चार्ज इस पे चार्ज डेवलप हो गया, यानी ये बैलून चार्ज हो गया है। ओके, आवेशित हो गया है। अब ये दोनों रिपेल कर रहा था एक दूसरे को, लेकिन जो ग्लास को मैंने स्वेटर से रग रहा, ग्लास को जब बैलून के पास मैं लाया, तो बैलून उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, उसकी ओर खिंचा गया, रिपेल नहीं हुआ, अट्रैक्शन हुआ वहाँ पे। तो यानी कि ये बात समझ में आ गया कि एक जो बैलून है सेम ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट में रिपल्सन हो रहा है, ये ग्लास और ये बैलून में डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें अट्रैक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आ गया, जो चार्ज इस पर डेवलप हो रहा है गुब्बारे पे डेवलप हो रहा है, और जो चार्ज ग्लास पे डेवलप हो रहा है वो डिफरेंट चार्ज है। ये बात तो क्लियर हो गया, यानी कि दो टाइप का चार्ज होता है, ये बात इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, ओके, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, चार्ल्स फूडे, ओके, चार्ल्स फूडे। मैं सारा चीज़ नोट्स में लिख रखा हूँ, सो डोंट वरी, उसके लिए चिंता नहीं करना कि सर क्या आप समझा रहे हैं, बात को समझो तो वो कंसेप्ट मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिजिक्स में। ओके, अब मैं इतना ज़बरदस्त पढ़ा दूंगा आपको, फिजिक्स सबसे ईजी लगेगा फिजिक्स आपको, फिजिक्स से डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और जो जो कंसेप्ट नहीं होगा वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तब देखो कि चार्ज जो गुब्बारे पर डेवलप हुआ है वो चूंकि रिपल्सन हो रहा है, और चार्ज ग्लास में भी डेवलप हुआ है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। ये बात तो क्लियर हो गया कि सेम ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप हुआ, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप हुआ, यानी कि दोनों चार्ज डिफरेंट है, क्योंकि सेम में रिपल्सन हो रहा है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये समझ में, साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगा लिया कि जो सेम बॉडी था उसमें रिपल्सन हो रहा है, उस पर चार्ज कोई और नेचर का है, और जो ग्लास में चार्ज डेवलप हुआ है वो कोई और नेचर का है। तो इस बात से ये पता चल गया कि चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है, कौन कौन, वो नहीं बताएंगे अभी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताएंगे अभी, क्यों रखा गया पॉजिटिव नेगेटिव वो जवाब देने वाले हैं। ओके, डोंट वरी। लेकिन अब याद ना, चार्ज दो तरह का हो गया, इसको इस बात को बताने वाले थे चार्ल्स फूडे साहब, ओके, फ्रांस के साइंटिस्ट थे चार्ल्स फूडे, जिन्होंने बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है। ये नहीं बताया कि चार्ज का नाम क्या रखा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं, चार्ज दो टाइप का होता है। ओके, यानी चार्ज बॉडी दो टाइप का, एक अब चार्ज बॉडी दो टाइप का क्यों होगा सर? भाई जब मैंने एक जगह रिपल्सन हो रहा था, एक जगह अट्रैक्शन हो रहा था, तो दोनों गुब्बारा पर चार्ज जो था वो डिफरेंट है, क्यों, गुब्बारा पर जो रिपल्सन हो रहा है, और भाई गुब्बारा ग्लास बॉडी के पास ला रहे हैं तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो गुब्बारे पर जो चार्ज है वो अलग है, ग्लास पर जो चार्ज है वो अलग है। अब किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव बोला जाएगा, डोंट वरी, उसके बारे में चिंता नहीं करना। तो ये तो हो गया, चार्ज दो टाइप का हो गया। अब सुनना अच्छा सर, अब क्या हुआ कि मान लो कि एक और मान लो कि गुब्बारा था, ओके, उस गुब्बारा को मैंने क्या किया कि मैं उस गुब्बारे को प्लास्टिक के कोई भी कपड़े से रगड़ दिया, प्लास्टिक का कोई सामान से रगड़ दिया, ठीक है, ध्यान देना। रुको, गुब्बारे को छोड़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इस पे कोई चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ये मान लो मेटल है, मेटल स्फीयर है, ओके, मेटल स्फीयर है,
मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्लास रॉड से रगड़ा, ग्लास रॉड से, ठीक है, इसको मैं ग्लास रॉड से रगड़ा, ग्लास रॉड से इसको रगड़ेंगे तो कोई ना कोई चार्ज डेवलप होगा। ओके, एक और मेटल स्फीयर है, इसको मैंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड से रगड़ा, कैसे कुंच क्या डेवलप हुआ मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इस पर कोई चार्ज डेवलप हुआ, ई चार्ज डेवलप हुआ। अब ध्यान देना, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा, ये दोनों क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, तो मैंने बताया था कि अट्रैक्ट करने लगेगा तो क्या होगा कि दोनों पे चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा। ओके, जब रिपेल करेगा तो दोनों पे चार्ज का नेचर सेम होगा, नेचर मतलब टाइप। ओके, बता रहा हूँ मैं। ओके, डोंट वरी। अब जब दोनों को कॉन्टेक्ट, एक कॉन्टेक्ट में लाया, दोनों दोनों मेटल को कॉन्टेक्ट में लाया गया, तो देखा गया दोनों में ये जो चार्ज था खत्म हो गया बॉडी, अब फिर उसके बाद अट्रैक्शन बंद हो गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, तो इससे क्या खत्म, यानी कि चार्ज का प्रॉपर्टी खत्म। जब दोनों को कॉन्टेक्ट में हम लाए हैं, दोनों को सटा दिए हैं, दोनों को सटा दिए हैं, देखो पहले मेरी बात सुनना, ये बॉडी है, ये बॉडी है, किसी तरह से हम इसको चार्ज कर दिया रगड़ने के बाद, इसको रगड़ दिया हम, इसको रगड़ दिए, अब दोनों में रिपल्सन हो रहा था, क्या हो रहा था बोलो, सॉरी अट्रैक्शन हो रहा था, दोनों एक दूसरे को खींच रहा था अपनी ओर, ठीक है। और जब खींच रहा था, जब हम इसको सटा दिए तो दो सटाने के बाद जब फिर इसको हटा के फिर चिपका रहे तो नहीं चिपक रहा है, मैंने इसका चार्ज प्रॉपर्टी खत्म, चार्ज प्रॉपर्टी खत्म। अब ये समझ में आ गया, सुनना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर सब नहीं बताते हैं सब चीज़ सब। ये टच करने के बाद जब फिर इसको दोबारा हटा के दोबारा चिपकाया गया तो नहीं चिपका, यानी अट्रैक्शन खत्म, अट्रैक्शन खत्म, तो इसका मतलब इस बॉडी का चार्ज खत्म, चार्ज खत्म, चार्ज खत्म कब होता है, तो मैथ का एक रूल है, तुम समझते हो कि +5 में -5 जोड़ोगे कितना होगा, 0 होगा, कैंसिल, ये नहीं जानते हो, इसका मतलब जितना चार्ज इस पर रहा होगा, ओके, अगर इस पे चार्ज कुछ और होगा, इस पे कुछ दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन का मतलब होता है कि दोनों पे चार्ज अपोजिट रहा होगा, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, दोनों चार्ज एक दूसरे को खत्म कर दिया, दोनों चार्ज एक दूसरे को मार दिया, इसका मतलब है कि हम इसको साइंटिस्ट ने सोचा कि जब दोनों दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो चार्ज खत्म हो रहा है, तो ये मैथ की तरह नियम लागू हो गया कि +5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड का नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे, मैंने कि इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड के नंबर को नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा, मैंने खत्म। उसी तरह उन्होंने नाम रख दिया कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, बात खत्म, क्योंकि +5 -5 कैंसिल, 0, तो इसलिए चार्ज को दो टाइप का रखा गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं होता कि किसी बॉडी के अंदर जाकर के झांक के देखोगे तो लिखा रहेगा, अगर मान के हम बॉडी को रख रहे हैं, जैसे मान लो कि हम बैलून को रख रहे हैं और उस पर चार्ज आ गया कुछ, अब वो चार्ज जो आया तो उस पर लिखा रहेगा कि +और -, ऐसा थोड़ी होता है, यानी +-, हम लोगों ने नाम लिखा है, नाम दिया है, रियल में +- होता नहीं है, समझ रहे हो, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये +- नाम का कोई चीज़ है नहीं, इसे हम लोगों ने इस कंसेप्ट को बनाया है, रखा है, बॉडी चार्ज होता है ये तो रियल कंसेप्ट है, लेकिन +- में हम लोगों ने नाम रखा है, ठीक है, +- क्यों नाम रखा, इस आधार पर रखा, इसको +- नाम जो रखने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। ओके, दो तरह का चार्ज होता है उन्होंने बताया अलग साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था चार्ल्स फूडे, जो कि तुमको फ्रांस के साइंटिस्ट थे, और चार्ज दो पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा, नाम रखने वाले जो थे दो तरह के चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव वो था, थे अमेरिका के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, याद रखना बात को, तो चार्ज दो टाइप का हो गया। आप कहोगे सर कि प्लस चार्ज कैसे बोलेंगे, माइनस चार्ज कैसे बोलेंगे, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे ये बॉडी को आपस में रख रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें चला जाता है, या इसमें से इसमें जा सकता है, किसी में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो नहीं निकलेगा, जो वीक जुड़ा हुआ वो निकलेगा, मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, तो चार्ज होने का कारण है इलेक्ट्रॉन, याद रखना बात को, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल के चला जाता है ना, सुनना अच्छा से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिसमें से निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज और जिसमें जाता है नेगेटिव चार्ज, ये बात याद ना, अभी मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, चलो आ जाते हैं मुद्दे पे, हम लोग वहाँ पे जो थ्योरी लिखा है मैंने, चलो तो क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अभी मैंने बताया ++ चार्ज में तो जो सेम सेम चार्ज रहेगा उसमें रिपल्सन होगा और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी फंडामेंटल पार्टिकल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उनके बीच में फोर्स लगता है, कौन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा वो प्राप्त किया गया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो जब एक दूसरे को उसको रगड़ा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो वो एक प्रॉपर्टी ग्रहण कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ,
एक सीरीज मैंने लिख दिया। आपको वो सर कैसे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो आपका बात समझ गया कि दो तरह का चार्ज होता है, वो मैंने समझा दिया। अब कौन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास है, ये ऊन है, ऊन, ठीक है, मेरी बात सुना। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान देना अच्छा से, एक एक बात को सुनना। तो ग्लास को जब ऊन से रगड़ोगे ना, ओके, तो जो पहले लिखा हुआ है वो उस पर पॉजिटिव आएगा, बाद मतलब ऊन नेगेटिव आएगा, बात खत्म। ओके, ग्लास को ऊन से रगड़ोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव है, ऊन पे नेगेटिव, ठीक है, समझ आए बात को? जो पहले लिखा है उस पर पॉजिटिव है, बाद वाला पे नेगेटिव। ग्लास को सिल्क से रगड़ो, सिल्क का कपड़ा होता है जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कॉटन की तरह ही, तो ग्लास को सिल्क से रगड़ो तो ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव। समझ आया बात को? ये समझो बहुत अच्छा से। और अगर मान लो कि मैंने कहा क्या, ऊन के कपड़ा को मैं प्लास्टिक के कोई भी बर्तन से रगड़ रहा हूँ, ओके, तो प्लास्टिक पे नेगेटिव आएगा और ऊन पे पॉजिटिव आएगा, बात खत्म। समझ आया? ये चीज़ समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझना है। तो मैं ये जो सीरीज, ये जो लिखा हुआ है सीरीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे किताब में, आंसर में दिया हुआ है। ओके, तो ग्लास पे पॉजिटिव, जो पहले है उस पर पॉजिटिव, जो लेफ्ट में लिखा हुआ पॉजिटिव है, बाद वाला पे निगेटिव, ठीक है, कोई भी दो बॉडी को रगड़ दो। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, इस रबर को इस ग्लास से रगड़ रहा हूँ, तो ग्लास से रबर को रगड़ोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव और रबर पे निगेटिव, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात अच्छा से? चलो मैंने यहाँ लैंग्वेज दे देकर लिखा, देखो यहाँ पर अच्छा से समझो, बहुत ईजी है, मज़ा आ जाएगा ये। अरे फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा, गौर से खाली देखते रहो। ओके, देखो, व्हेन ग्लास, देखो मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ऊल, जब ग्लास को ऊल से रगड़ेंगे, ऊल मतलब ऊन, ठीक है, ऊन से रगड़ेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा और ऊन पे नेगेटिव आएगा, बस मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ग्लास क्यों है? ग्लास पे पॉजिटिव आता है क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन में चला जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ऊन में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीमेंट हो गया, तो उसको बोलेंगे निगेटिव चार्ज। तो देखो, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऊन पर इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेस पर चला गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, बढ़ गया। ओके, समझ आ गया अच्छा से? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो प्लास्टिक के, मैं देखो प्लास्टिक को मैंने ऊन से रगड़ा, मैंने लिखा व्हेन प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद ऊल, जब हम लोग प्लास्टिक के रॉड को ऊन से रगड़ेंगे तो सिंपल बात है, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक चला जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि पहले जो लिखा हुआ उसमें पॉजिटिव होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज और ऊन पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने नोट में लिख रखा है एक एक बात को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है एक जगह, तुम्हारी किताब से छाट कर लिखा हुआ है, इसको याद रख लो, जो पहले लिखा हुआ है उस पर पॉजिटिव, बात खत्म। कोई भी दो बॉडी उठा लो इसमें से, कोई भी दो बॉडी उठा लो, जो पहले लिखा हुआ उस पर पॉजिटिव है, बाद वाला पर नेगेटिव, ठीक है, समझ आ गया? बहुत ईजी है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेस नेगेटिव चार्ज, पॉइंट समझ आ गया, बहुत ईजी है। ओके, चलो आगे आ जाते हम लोग, ये अभी आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा नीचे भी है, अब देखो भाई भी समझाया मैंने, भाई बैलून वाला चार्ज, बैलून वाला एग्जांपल जो समझाया मैंने, ओके देख लो आप लोग, जो अभी मैंने समझाया था, एक बैलून ले लो, चार्ज बैलून, ये बैलून चार्ज्ड है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैलून को ऊन से रगड़ लिया हूँ, बैलून इज रब्ड विद ऊन, तो ऊन से रगड़ूंगा तो इस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, और फिर का बोलते ध्यान देना, फिर मैं ग्लास रॉड को ओके ऊन से रगड़ लूँगा, ओके तो ग्लास रॉड भी कोई चार्ज आएगा, रगड़ने के बाद चार्ज आएगा, तो ये भी चार्ज। अब देखो ध्यान देना, जब दो बैलून को रगड़ा गया तो बैलून देखा रिपल्सन हुआ, यानी कि सेम चार्ज पर सेम बॉडी है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इससे समझ में आ गया, दोनों चार्ज बॉडी जो है रिपेल कर रहा है, ओके सेम बॉडी है तो रिपेल कर रहा है, डिफरेंट बॉडी है, जैसे कोई डिफरेंट, ये भी चार्ज नहीं, भी चार्ज है, दोनों अट्रैक्ट कर रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे को खींच रहा था, तो ये समझ में आ गया कि चार्ज दोनों पर अलग अलग टाइप का है, रॉड पर अलग है, अलग टाइप का है, और इस पर बैलून पर अलग टाइप का है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही समझाया, तो चार्ज दो टाइप का होता है, ऐसा किसने दिया था, हैंड देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, जिसको दिया था कौन, आगे मतलब पेज पे देख लेना, समझा, दो तरह का चार्ज होता है, ये बात समझ में आ गया, सब बच्चा नहीं समझता है। ओके चलो, ये आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का ले लिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लेना, एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ में नहीं है कि पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव खाली बनता है कंसेप्ट यहाँ से, जो कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दिया, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद करो ना करो लेकिन ये याद कर लेना। अब मैंने नोट्स बहुत बेहतरीन बना दिया, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, चलो ध्यान दो, आ जाओ, वही समझा रहा हूँ मैं।
ये मैं समझा चुका हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट है तो रिपल्सन, और फिर देखो कुछ ऑब्जेक्ट में जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो इससे समझ में आ गया कि चार अट्रैक्शन हो रहा है। सुनो ध्यान देना, ओके, अब जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया ए और बी को, तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब कि दोनों में कोई चार्ज का गुण खत्म, ना तो अट्रैक्ट कर रहा था ना रिपेल कर रहा था, तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब था नेट चार्ज जीरो। अब नेट चार्ज जीरो आया यानी कि +5 -5 जीरो होता है, इसलिए इसके एक चार्ज का नाम रख दिया गया पॉजिटिव है, एक चार्ज का नहीं, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है। इसलिए चार्ज दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके चलो, तो काइंड ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने टाइप का होता है, दो तरह का। कौन बताया था, चार्ल्स डू फेस है। और दो तरह नाम कौन दिया था चार्ज का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन नाम दिया था, नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, मैंने नोट रख कर रखा है यहाँ पे। चार्ज कितने प्रकार का होता है ये बताया चार्ल्स डू फेस साहब ने, ये जल्दी कोई नहीं जानता है, बता दिया मैं। ओके, और चार्ज के नामकरण जो किया, नेमिंग जो किया, नेमिंग करने वाले थे साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा गया, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया होगा बात। ओके, रियल में पॉजिटिव देख उसमें लिखा नहीं होता है, अगर कोई चीज़ को बॉडी को हम रगड़ रहे हैं उस चार्ज हो गया, उसमें क्या पॉजिटिव लिखा जाता है, नहीं, अरे वो तो पॉजिटिव हम लोगों को नाम दिया है। ओके, तो बताओ चार्ज कितने टाइप का होता है। चलो एक और, पहले चार्ज कितना टाइप का, दो टाइप का, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हीं बोलते हो सर तीन टाइप का होता है चार्ज, कोई जीरो भी होता है, अरे मारेंगे तो स्टूपिड, तीन टाइप क्यों वो बोल रहा है। जैसे एक इंसान होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, दो टाइप के का होते हैं जेंडर होता है, तब तुम सोचो तीसरा टाइप का जेंडर सर वो वाला जो बीच का होता है, अरे स्टूपिड, देखो मजाक नहीं समझो, ठीक है। ऐसा फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में दो ही टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो तुम लग रहा है कि बीच का आदमी हो तुम, ओके, सोच रहे हो कि तीन टाइप का चार्ज होता है। मैंने क्लास में एक बार बच्चे से पूछा क्या टाइप का चार्ज होता है, तो बोला सर तीन टाइप का, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, बीच वाला, मतलब बीच वाला कौन रे, बीच वाला तुम लग रहा है बीच वाला है, नहीं बीच वाले नहीं हो ना। चलो कोई बात नहीं, दो ही टाइप का चार्ज होता है, तीन टाइप का कभी चार्ज नहीं होता, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, एकदम बैठा लो। क्या टाइप का चार्ज होता है, दो ही टाइप का चार्ज होता है। चलो ठीक है तुम हंस रहे होगे हमको मालूम है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब रीज़न दिया हुआ है, रीज़न क्या है, तो देखो रीज़न वही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, बात खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात आता है, चलो इसको तुम लोग क्या करो, इसका नोट कर लो। हाँ भाई एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझ लो आप लोग लास्ट में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सेम सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन धकेलेगा एक दूसरे को, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है रिपल्सन होगा, सेम सेम चार्ज रहेगा। ऐसा समझो प्लस को तुम लड़का बोल दो, अब माइनस को लड़की बोल दो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब बताओ लड़का लड़की में प्यार होता है कि लड़का लड़का में प्यार होता है, मतलब कि वो वाला प्यार, वो अलग वाला नहीं समझना, ठीक है, जो हम लोग सोचते हैं गाना वाला, ठीक है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे सर आप तो सिंगर बन गए, सॉरी क्या करें, तुम लोग मस्ती में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मेरा ये आ गया। चलो तो देखो प्लस प्लस रहेगा तो ये लड़का लड़का में प्यार नहीं होता है, नफरत होता है, तो इसको कहेंगे लाइक चार्जेस, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, रिपेल करता है। ओके, नेगेटिव नेगेटिव लड़की लड़की भी नेगेटिव 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 ये भी रिपेल करेगा। ओके, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव लड़का नेगेटिव लड़की दोनों में बहुत अच्छा से प्यार होगा। ओके, उसको बोलते हैं कि वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो मैंने लिख दिया प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस भी रिपल्सन, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, प्लस और माइनस प्लस में भी अट्रैक्शन है। देखो सेम चार्ज में होगा रिपल्सन, सेम चार्ज में रिपल्सन, लेकिन अब डिफरेंट चार्ज में अगर डिफरेंट नेचर का चार्ज है, प्लस माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा। लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल याद है ना, कभी नहीं बोलोगे जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ओके, बोलो सेम सेम तो नफरत दुश्मनी, और डिफरेंट डिफरेंट तो प्यार मोहब्बत, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो बचपन में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे कंघी, ठीक है, तो कंघी को तो हम लोग बाल पे रग रहे हैं, लेकिन क्या कागज़ को रग रहे थे, कागज़ को तो नहीं रग रहे थे, तो कागज़ तो चार्ज नहीं था, कागज़ का जो छोटा छोटा टुकड़ा था, ये कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो था कंघी की ओर अट्रैक्ट हो गया। तो कंघी को जब हम लोगों ने बाल पे रग रहा, तो कंघी में कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल के बाल से आकर के कंघी में आ गया, तो कंघी पर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया, ठीक है। अब कंघी जो है कागज़ के टुकड़ा को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है सर, क्योंकि कागज का टुकड़ा तो न्यूट्रल है, इस देखो कोई चीज़ को जब रगड़ा नहीं गया है तो ओरिजिनल वे में वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कागज का टुकड़ा तो नहीं रगड़ा गया लेकिन फिर भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिमाग में सेट कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी है, ओके, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल बॉडी है, तब भी अट्रैक्ट करेगा।
हाँ न्यूट्रल, न्यूट्रल में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन प्लस और एक पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज भी है न्यूट्रल बॉडी है तब भी अट्रैक्शन होगा, ये बात बहुत कम बच्चे जानते हैं, ये प्लस प्लस वाला होता सब जानता है मान लो, लेकिन एक न्यूट्रल बॉडी ओके एक न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है, एक न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव चार्ज की ओर भी अट्रैक्ट होता है, दोनों अट्रैक्टिव होता है। ठीक है तो मैंने यह लिख दिया, देखो क्लियर नोट करके मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अट्रैक्शन होता है तो ये अट्रैक्शन जो है वो न्यूट्रल बॉडी में लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई एक बॉडी का चार्ज होना जरूरी है अट्रैक्शन के लिए। ठीक है अट्रैक्शन जो है तो भाई जो कंघी वाला है, कंघी तो तुमने रगड़ के बाल पे रगड़ के उसको चार्ज कर दिया लेकिन कागज़ तो नहीं रगड़ रहा था फिर भी वो अट्रैक्ट किया, यानी कि कागज़ पर कोई चार्ज नहीं था, कागज़ न्यूट्रल था और कंघी नेगेटिव चार्ज हुआ, या कोई भी चार्ज बोल दो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, वैसे कंघी नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज चढ़ता है, मैंने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल से बताया, वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है चलो ये बहुत अच्छा मैंने आपको नोट्स दे दिया है, इसको नोट कर लेना, ये भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा, आप लोग ध्यान देना, इसका स्क्रीन शॉट ले लो पूरा इसका, उसके बाद आ जाओ इस पर इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात सब सुनोगे, ज़बरदस्त दिल खुश हो जाएगा इसमें, ये वाला लाइन सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्ज। ठीक है देखो अब चार्ज को पहचानेंगे कैसे, एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके पता नहीं सकते सर चार्ज है कि नहीं है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं है, समझे, लेकिन लैब में कि लेबोरेटरी में चार्ज को कैसे पता करेंगे कोई बॉडी में चार्ज है कि नहीं है, तो किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है तो उसके लिए एक एपरेटस ओके एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दिस इज नॉट सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट याद ना कि जो लैब में हम लोग चार्ज का पता करते हैं किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एपरेटस होता है, उसके हेल्प से हम लोग चार्ज के प्रेजेंस का पता लगाते हैं, तो गोल्ड लीफ इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज, चार्ज का पता लगाने के लिए कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ओके पॉइंट समझ आया, ये चीज़ समझ में आ गया। चलो चार्ज को जो प्लस माइनस जोड़ करके क्या बोलते हैं, जीरो आ जाता है, चार्ज को हम लोग प्लस माइनस की तरह ऐड करके जीरो कर सकते हैं न्यूट्रल ओके, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी प्लस माइनस जोड़ करके सीधा नंबर लिया ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी छोटी बात सब जानकारी की बात ओके। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब याद ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ जस्ट कुछ अगले लेसन हम लोग पढ़ लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, कूलम्ब को बड़का सी से लिखना है, साइंटिस्ट का नाम है ये। ठीक है अब एक मिली कूलम्ब में 10 का पावर माइनस 3 होता है, एक माइक्रो कूलम्ब 10 का पावर माइनस 6 होता है, गलती से लिखा गया बाबू, सही कर लेना आप लोग, ये माइनस छः है सही कर लोगे आप लोग, -6 सही है। इन 1 नैनो कूलम्ब इक्वल टू 10 का पावर माइनस 9, 1 पीको कूलम्ब, पीको कूलम्ब है, कूलम्ब छूट गया, 1 पीको कूलम्ब इक्वल टू 10 का पावर माइनस 12 कूलम्ब, 1 फेमटो कूलम्ब, एफ से फेमटो होता है, फेमटो कहते हैं -15 कूलम्ब को, यहाँ दो तीन जगह मिस्टेक हो गया, देखो ये -6 कर दो आप लोग, उसके बाद ये पी सी है ओके और यहाँ पर यहाँ सी छूट गया, चलो कर लोगे आप लोग, सब सही कर दिया मैंने ओके। चलो तो ये छोड़ने के बाद न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ इसको, ये न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा। चलो आ जाओ अब आ जाते हैं हम लोग, डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ओके। चलो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालो, तो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट ओके, 10th में पढ़े थे उसे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी याद है, आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू हो गया चार्ज, टी हो गया टाइम, आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट याद है ना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, तो क्यू इक्वल टू का होगा आई टी हो गया। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है तो ए लिख दो, टाइम के लिए टी लिख दो, ए टी बोलो ए टी, तो ए टी हो गया। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ए टी याद आना बात को, बहुत ईजी है याद रखना, छोटी छोटी बात को मैंने यहाँ नोट करके रखा एक जगह, सारे किताब में से छाट करके एक जगह कर दिया कि आप लोगों को आसान लगे, टफ ना लगे ओके। चलो अब कुछ खास बात और न्यूमेरिकल से बनाने में काम पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो रखा है, नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव बोल दिया गया बाय कन्वेंशन ओके, रख दिया गया नाम, रियल में होता नहीं सब नाम रखा गया ओके, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव चार्ज रखा गया और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट था इसलिए ए को पॉजिटिव बोल दिया गया, ए को नेगेटिव बोल दिया गया। ठीक है चलो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सेम होता है प्रोटॉन के चार्ज के, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, देखो ना वैल्यू कितना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आए हो ये लोग ये सब चीज़ सब, देखो बचपन से पढ़ते आए हो, मैंने एक जगह लिख दिया अच्छा से नोट में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब ओके, कूलम्ब में होता है। अब बताओ दोनों वैल्यू तो सेम है, खाली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू तो सेम ही है, इस वैल्यू को बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, क्या बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटा चार्ज यही होता है
ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई बोलते हैं, आप प्रोटॉन के चार्ज को प्लस ई बोलते हैं। कहो सर ई ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, फिर गलती कन्फ्यूजन मत होना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लिखते हैं, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का, ये सिंबल इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है और एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है। और हम पूछे आपसे कि बताओ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो माइनस 10 ई ई बोलोगे आप लोग। ई इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं ई, ठीक है, इस वैल्यू को। और 10 प्रोटॉन का चार्ज पूछेंगे तो क्या बोलोगे, प्लस 10 ई। ओके, 10 पी नहीं बोल दोगे, 10 ई बोलोगे। ओके, समझाया बात को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली साइन अपोजिट है बस। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो माइनस 11 ई बोलोगे, माइनस नहीं लगाओगे यहाँ पे, माइनस 11 ई हो गया। और मैं पूछूंगा कि बताओ प्लस 11 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो प्लस 11 ई बस। ओके, पी नहीं लिखना है, ई लिखना है, ई। क्लियर हो गया, चलो सॉरी, चलो यहाँ मैंने कर दिया। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जो होता है अंदर में, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन में नेट चार्ज उस पर जीरो है, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने बहुत अच्छा से मास लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10^10^31 kg, और ये प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन वैसे न्यूट्रॉन एटम के अंदर सबसे भारी फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन है। ओके, न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, याद रखना बात को, न्यूट्रॉन। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, चलो ये भी समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और समझ लो कि कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। अगर मान लो कि उस पर जैसे मान ली सोडियम का मैंने बनाया, सोडियम का क्या होता है, 11 एटॉमिक नंबर होता है, ये जानते हो, 23 उसका क्या होता है, 23 उसका एटॉमिक मास या मास नंबर बोलो, तो उसको तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो, 281, याद है ना, बचपन में पढ़े थे सब, ये 11th में भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री में सब बताया जाएगा आप लोगों को पूरा। इसमें क्या वो एक प्रोटोन, जब 11 एटॉमिक नंबर था, 11 प्रोटोन होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। ओके, तो कोई भी एटम होता है ना, जितना प्रोटोन होता है उसमें से उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो न्यूट्रल है तो। ओके, तो देखो प्लस 11 प्रोटोन है तो प्लस 11 ही, 11 इलेक्ट्रॉन तो माइनस 11 ही, जोड़ो दोनों को क्या होगा, जीरो, तो जीरो हो गया। यानी इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। तो बोलेंगे जब भी बोला जाएगा कोई बॉडी में चार्ज नहीं है, तो चार्ज का मतलब ही नहीं बोला कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, बॉडी में तो हर बॉडी में एटम है, तो एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा, चार्ज तो रहेगा ही। लेकिन जब भी हम लोग चार्ज बोलते हैं नहीं है, इसका मतलब कि नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। ओके, नेट चार्ज या टोटल चार्ज जीरो है। तो अगर कोई बॉडी पर नेट चार्ज जीरो, तो उसको बोलेंगे वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी वो विद्युतीय रूप से उदासीन है। हिंदी में बोलते हैं कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है, इसका मतलब है कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो तो उसको बोलते हैं कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज उस पर कितना है, जीरो है। पॉइंट समझ आया, नेट चार्ज जीरो है। एक चीज़ और समझना, जब भी कोई बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता है। कहोगे सर क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है न्यूक्लियस के, जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ अंदर में रहता है, वो अंदर में रहता है। ऐसे समझो कि प्रोटॉन जो है वो मोदी जी है। ओके, मोदी जी का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है, वो बहुत ही सेफ्टी में रहते हैं, बहुत सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, वो कभी बाहर बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये उसका गार्ड सब है, कभी कुछ होगा तो उसके गार्ड को कुछ होगा। ओके, उसका सिक्योरिटी को कुछ होगा, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता कभी कोई बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो। अब वजह बता दिया मैंने कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहता है। ओके, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास बहुत सारे चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो ये हो गया। तो एटम न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है इसका मतलब क्या होगा, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, ये नोट करके लिए याद रख लेना। तो वो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है न्यूट्रल एटम के लिए, नोट करके मैंने लिख दिया भाई, भाई बात को नोट करके यहाँ भी लिख दिया भाई। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़का, लड़की लड़की। ओके, लड़का लड़का रहेगा, सेम सेम रहेगा तो नफरत होगा, लड़की लड़की में भी नफरत होगी, प्लस प्लस में नफरत नफरत, माइनस माइनस में नफरत नफरत। ओके, समझे, सेम सेम चार्ज में नफरत दुश्मनी। ओके, और डिफरेंट चार्ज में प्यार, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। पॉइंट में मैंने वही लिख दिया है, फिगर भी बना दिया, तो फिगर सब भी बना देता हूँ ताकि समझे, जितना फिगर बनाओगे उतना क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो ये भी हो गया आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई खास अभी तो कुछ नहीं मैंने पढ़ाया है, बेसिक बात से बताया अभी हम लोग, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले। अब यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं। ओके, इसको नेक्स्ट लेसन में हम लोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।